गैजेट्स हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। इन गैजेट्स की मदद से हम बात करते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं और मनोरंजन भी। साल 2019 में गैजेट्स की दुनिया में काफी कुछ बेहतरीन होने वाला है, तो चलिए देखते हैं आखिर वो क्या चीजें हैं। फोल्डेबल स्मार्टफोन अब हकीकत में बदल रहे हैं। इन स्मार्टफोन्स को OLED पैनल्स की मदद से बनाया जा रहा है, जहां ये बीच से मुड़ेंगे वो भी बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, अमेरिकी आधारित डिस्प्ले मेकर कंपनी रॉयल कॉर्प ने फ्लैप पाइप के साथ फोल्डेबल फोन्स की शुरुआत की, जिसके बाद सैमसंग ने भी अपने फोल्डेबल फोन का ऐलान कर दिया। अब हाल ही में LG ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो भी फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में उतारने वाला है। यानी कि इन सब कंपनियों के अलावा आप नोकिया, एप्पल और लेनोवो की तरफ से भी फोल्डेबल फोन देख सकते हैं। आने वाले समय में आपके स्मार्टफोन में सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी, यानी कि कोई भी चिप नहीं होगी। ईसिम टेक्नोलॉजी का आगाज हो चुका है, जहां एप्पल आईफोन और एप्पल वॉच में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्केट सेंस मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 तक ईसिम मार्केट में $253 बिलियन से $978 बिलियन हो जाएगा। भारत में जियो और एयरटेल ने इस सर्विस की शुरुआत कर दी है। आजकल तकरीबन सभी गैजेट्स में आवाज से काम हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में आपको रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपकी आवाज से ही टीवी का चैनल बदल जाएगा। वॉइस इंटरफेस धीरे धीरे काफी बेहतरीन तरीके से काम करेगा, यानी कि जो भी कहा जाएगा वो समझा जाएगा और करा भी जाएगा। आसान शब्दों में आपके पास आपका खुद का रोबोट होगा, लेकिन वो सिर्फ गैजेट में ही मौजूद होगा। ट्रैक्टिका की रिपोर्ट के अनुसार वॉइस और स्पीच रिकॉग्निशन मार्केट साल 2017 में जहां 1.1 बिलियन था, तो वहीं 2025 तक ये 6.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा। वेरिएबल अप स्टेप या कैलोरी नापने के लिए ही नहीं, बल्कि आप ECG, EKG की भी जांच इससे कर सकते हैं, तो वहीं दिल की धड़कनों की भी पहचान हो सकती है। हालांकि ये फीचर अभी भारत में नहीं आया है, लेकिन अमेरिका में इस फीचर का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। साल 2018 में गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू $15.5 बिलियन है, तो वहीं स्मार्टफोन गेमिंग में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अब स्मार्टफोन कंपनियां ऐसे स्मार्टफोन बना रही हैं जिनमें गेम्स खेले जा सके, वो भी हाई लेवल पर। फोन अब फोन नहीं रह गए, वो कैमरा बन चुके हैं। जी हाँ, फोन कंपनियां इतने बेहतरीन कैमरा दे रही है कि अब आपको किसी महंगे कैमरे की जरूरत ही नहीं है। Huawei Mate 30 Pro और P20 Pro के पीछे 3 कैमरे हैं, Samsung Galaxy A9 में 4 कैमरे हैं, तो वहीं Nokia 5 कैमरे वाला स्मार्टफोन लाने वाला है। काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018 में बिके स्मार्टफोन्स में 42% फोन में डुअल और 3 कैमरे थे, तो वहीं Samsung ने कहा कि 2019 में लॉन्च होने वाले 10% स्मार्टफोन्स में वो 3 कैमरा देगा। साल 2020 तक 5G दस्तक दे देगा, जहां भारत की मुलाकात दुनिया से होगी। पहला 5G चिपसेट वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 855 का इस्तेमाल किया जाएगा। OnePlus के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीट लाओ का कहना है कि 5G फोन की कीमत $200 से $300 के बीच होगी। वहीं अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी AT&T इंक ने और वेराइज़न ने इस बात का ऐलान किया है कि वो सैमसंग के साथ मिलकर 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। अप्रैल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार साल 2021 तक 5G स्मार्टफोन 255% तक बढ़ेगा, जहां 110 मिलियन यूनिट्स होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PHBC न्यूज़।